दोस्तों हम लोगों की हैंडराइटिंग उसी तरह होती है जिस तरह सब्जी के ऊपर डाला हुआ धनिया। अगर कंटेंट अच्छा भी हो और हैंडराइटिंग खराब हो तो कॉपी चेक करने वाले का मूड खराब हो जाता है। मैं बहुत से ऐसे स्टूडेंट से मिला हूँ जो पढ़ने में तो अच्छे होते हैं और एग्जाम में लिखते भी खूब सारा है, लेकिन कभी भी उनके मार्क्स उस तरीके से अच्छे नहीं आते जिस तरीके की उन्होंने मेहनत करी होती है। इसके पीछे का सीधा कारण सिर्फ यही है कि उनकी हैंडराइटिंग खराब होती है। एक रिसर्च से पता चला है कि जिन स्टूडेंट्स की हैंडराइटिंग जितनी अच्छी होती है उनकी मेंटल हेल्थ उतनी ही अच्छी होती है और वो कूल माइंड के होते हैं। तो दोस्तों अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आज का वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हैंडराइटिंग को कैसे सही करें और कम टाइम में ज्यादा अच्छा लिखने की हैबिट कैसे डालें, क्योंकि सभी को पता है कि 12th एंड 10th वालों के बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं और ये एग्जाम हमारी लाइफ के सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट एग्जाम्स में से एक होते हैं। तो आपका ज्यादा टाइम खराब ना करते हुए चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों राइटिंग सही करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको 5 मोस्ट वैल्यूएबल एंड जेन्युइन तरीके बताऊंगा जिन्हें मैंने खुद कभी यूज किया था और अपनी राइटिंग को इस तरीके में कन्वर्ट कर पाया था। नंबर 1, सिट प्रॉपरली व्हाइल राइटिंग। दोस्तों सबसे पहले हमें लिखने के टाइम बैठने के तरीके को सुधारना होगा, क्योंकि अगर हम सही कंडीशन में बैठकर नहीं लिखेंगे तो इसका सीधा प्रभाव हमारी हैंडराइटिंग पर पड़ेगा और हमारी हैंडराइटिंग खराब हो जाएगी। इसलिए जब भी आप कुछ लिखें तो पूरा कंफर्टेबल होकर और रिलैक्स होकर बैठें, फिर लिखना स्टार्ट करें। जब आप कंफर्टेबल होकर बैठेंगे तो आप पाएंगे आपका हाथ फ्रीली और ज्यादा अच्छे से चल पा रहा है और आपकी राइटिंग भी पहले से इंप्रूव हो रही है। नंबर 2, होल्ड द पेन करेक्टली। हमारी हैंडराइटिंग इस बात पर भी कुछ हद तक निर्भर करती है कि हम अपने पेन को किस तरीके से पकड़ते हैं। बहुत सारे लोग पेन को कसकर पकड़ते हैं जिससे हमारे 2 नुकसान होते हैं। पहला तो ज्यादा देर तक लिखने पर हमारे हाथ में दर्द होने लगता है। दूसरा, जो भी हम इस पेज पर लिख रहे हैं वो नेक्स्ट पेज पर गुदा हुआ होता है जो कि देखने में जरा भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए दोस्तों पेन को होल्ड करते हुए इस बात का जरूर ध्यान रखें कि पेन पर ज्यादा दबाव ना बने। जितने में आपको अच्छा फील हो या पेन आपके हाथ से छूटे नहीं, सिर्फ उतना ही प्रेशर अपने पेन पर बनाएं। नंबर 3, डू नॉट रश व्हाइल राइटिंग। आई एम श्योर कि आपने ये जरूर सुना होगा कि जल्दी का काम शैतान का होता है। ऐसा इसलिए बोला जाता है क्योंकि आप किसी भी काम में चाहे जितने परफेक्ट हों, अगर आपने जल्दबाजी में उस काम को किया तो आपसे कहीं ना कहीं मिस्टेक जरूर हो जाएगी। ठीक इसी तरह जब हम जल्दबाजी में राइटिंग लिखते हैं तो हमारे पेन का एंगल या कॉपी की डायरेक्शन चेंज होती रहती है जिससे हम ज्यादा सटीकता से वर्ड्स को नहीं बना पाते। इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि एग्जाम हो या नोटबुक, लिखने के समय कभी भी जल्दबाजी ना करें। हर वर्ड को धीरे धीरे और सहूलियत से बनाएं। एक बार आपकी राइटिंग अच्छी हो जाएगी तो फिर आप अगर स्पीड में भी लिखोगे तब भी आपकी राइटिंग खराब नहीं होगी। नंबर 4, अरेंज वर्ड्स सेंटेंस एंड पैराग्राफ। दोस्तों इमेजिन करो आप किसी न्यू रूम में शिफ्ट हुए हो। जैसे ही आप रूम का दरवाजा खोलते हो आप देखते हो कि आपके रूम का सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है, उसमें कुछ भी सही जगह पर नहीं रखा हुआ है, तो आपका मूड क्या होगा, खराब होगा या अच्छा? ऑब्वियसली खराब होगा। वहीं अगर आप दूसरे रूम में जाते हो जिसका सारा सामान अच्छे से अरेंज है और रूम क्लीन है तो आपका मूड अच्छा हो जाएगा। ठीक इसी तरह हमारे एग्जामिनर के ऊपर भी हमारी नोटबुक का असर होता है। मान लो आपकी कॉपी अच्छे से अरेंज है, उसमें सारे वर्ड सेंटेंस एंड पैराग्राफ क्लियर विजिबल हैं, आपने प्रॉपर आउटलाइन करी हुई है, तो आपके एग्जामिनर पर वो चीज अच्छा इफेक्ट डालेगी और एग्जामिनर आपकी कॉपी को अच्छे से चेक करेगा और आपको एग्जाम के उतने मार्क्स देगा जितने के आप हकदार हैं। आपकी राइटिंग खराब होने के मार्क्स वो नहीं काटेगा। नंबर 5, यूज बेस्ट क्वालिटी ऑफ पेन। दोस्तों ये कहावत तो आपने सुनी होगी, अगर जंग जीतना है तो हथियार को जोरदार होना चाहिए। बुलेट जितनी तेज होगी वार उतना ही खतरनाक होगा। तो अगर आप हैंडराइटिंग की जंग को जीतना चाहते हैं तो आपको पेन भी अच्छी क्वालिटी का यूज करना होगा। इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं कि आप महंगे पेन खरीदने लगेंगे। मार्केट में 5-10 रुपए में भी ऐसे बहुत सारे अच्छी क्वालिटी के पेन अवेलेबल हैं जिन्हें आप अपने अनुसार सेट कर सकते हैं। ये चॉइस आपकी डिफरेंट भी हो सकती है। इसके अलावा व्हाइट क्लीन पेपर की नोटबुक का भी यूज करें, ये भी आपकी
हैंडराइटिंग को 10-20% इंक्रीज करा सकता है। अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक बने हैं, इसका मतलब आप सच में अपनी राइटिंग को सुधारना चाहते हैं। तो मेरे दोस्त, पेन और कॉपी उठाओ और शुरू हो जाओ। वीडियो की स्ट्रेटेजी को यूज करते हुए अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करो, सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। ये वीडियो पसंद आया तो लाइक की बटन पर अपने पेन की कैप को फेंक कर मारो और वीडियो को लाइक कर अपने दोस्त को शेयर करो, ताकि वो बेचारा भी अपनी राइटिंग को सही कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू।